हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षवर्धन। वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम DVWA के एक्सेस डॉम को हम हाई लेवल पे सॉल्व करेंगे। तो हम DVW सिक्योरिटी पे आके इसको ऑलरेडी हाई लेवल पे ही है, तो अब एक्सेस डॉम पे आ जाते हैं। अब गाइस, सबसे पहले हमें ना सोर्स कोड चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले सोर्स कोड देखते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये वाइट लिस्ट कर रहा है सिर्फ इन चार स्ट्रिंग्स को, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमारा PHP सर्वर है वो इन चार स्ट्रिंग्स को ही एक्सेप्ट करेगा, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन और स्पेनिश स्ट्रिंग्स है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हम ऐसा क्या करें, क्या ऐसा अटैक वेक्टर यूज़ करें जिससे हमारा कि ये कोड एग्जीक्यूट हो। तो अगर आप देखोगे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो गाइस वही बात है कि एकदम से एक पेलोड से तो आप हीरो बन नहीं चाहोगे कि आपको एक्सेस आ गया। तो आपको एक्सेस डीप में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हैश यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा कि जो हमारा कोड है ना इसके बाद का, वो PHP सर्वर पे सबमिट नहीं होगा। अब PHP सर्वर पे सबमिट नहीं होगा तो फिर PHP को मतलब वो फिल्टर आउट करे, मतलब वो चार स्ट्रिंग से जैसे एक्सेप्ट कर रहा था तो वो इससे भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो सबमिट नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, नॉर्मल मैंने पेलोड बनाया स्क्रिप्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखा अलर्ट और इसके अंदर जैसे कुछ भी डोम एक्सेस इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद लास्ट में स्क्रिप्ट टैग हमें क्लोज करना है। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एक बार इसको रीलोड करेंगे, तो गाइस अब आप देखोगे कि डोम एक्सेस यहाँ पे पॉपअप आ गया। इसका मतलब एक्सेस की वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, ये हमारा पेलोड एग्जीक्यूट हो गया। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notifications.